अब एके मिश्रा जी भी हैं, उनको भी सुन लीजिए, दोनों पार्टी के नेताओं को, दर्शकों ने सुना। मिश्रा जी, गरेन जी, एके मिश्रा जी ने बड़ा सवाल किया, मायका उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली में आके पड़ गए तो अपनी मायका को भूल, एक औरत अपने मायका को कैसे भूल सकती है? नहीं भूल सकती। और इस बात को उन्होंने कहा था कि हमने गलत बोल दिया, ठीक है, चलिए वो एक अच्छाई चीज है। ये तर्क समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, मानवता के आधार पे और वैज्ञानिकता के आधार पे अगर मैं बोलूँ ना, तो पूरी दुनिया में सरकारों का माई एसिड टेस्ट है, जो बोलते थे कि हमने डेवलपमेंट किया है, ये फैक्ट साइंटिफिक चीज है, राजनीतिक नहीं। हर सरकार का ये माई एसिड टेस्ट है कोविड की, आपने हेल्थ स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट क्या किया है अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए। अब इसको हट करके हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वो सब लोग बाहर से आए, उन लोगों ने हमारी कमिटमेंट है, आप लेंगे उनकी मेहनत से दिल्ली की सड़कें चमकेंगी, उनकी मेहनत से दिल्ली की फैक्ट्रियां चलेंगी, तो उनको इलाज नहीं मिलेगा क्या दिल्ली में? हम किसी के जान, आप यही बोल दीजिए कि प्रवासियों को इलाज नहीं मिलेगा, हमारी बोल दीजिए कि प्रवासियों की मेहनत का फायदा लेंगे लेकिन हम उनको इलाज नहीं देंगे, बोलिए। मिश्रा जी, इनके मुख्यमंत्री भी प्रवासी हैं, इनके मुख्यमंत्री भी प्रवासी हैं, वो आ रहे सर, आ रहे सर, बाबा आप प्रावधान कर लें। एके मिश्रा जी हमारे साथ राजनीतिक समीक्षक हैं, आ रहे सर, अब जरा एके मिश्रा जी को सुनिए, वो राजनीतिक समीक्षक हैं। एके मिश्रा जी, पूरी दिल्ली खोल दी गई लेकिन बॉर्डर को सील कर दिया गया, ये कहा जा रहा है कि भाई हमारा हेल्थ सिस्टम वो न गड़बड़ हो जाए। दूसरा, जब आपने पूरी दिल्ली को खोला है, तमाम जो इम्प्लॉयज है जो नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव में रहते हैं, वो कैसे आएंगे काम पे? भाई यहाँ पे तो फिर आपस में कंफ्यूजन दिख रहा है सरकार के फैसले में ही। देखिए अंजलि, मानवता के आधार पे अगर मैं पहला जवाब दूं, तो दुनिया में लगभग हर देश प्रदेश, कोई भी देश हो, ये पैंडेमिक के मामले में कंडीशन लगभग सबकी सेम हो जाती है। बात चूंकि ये राजनीतिक विषय है तो मैं ये बोलना चाहूंगा जी। आप ये देखिए, हर चौराहे पे वाईफाई लगवाने की बात इन्होंने बोली थी, दिल्ली को लंदन बनाने की बात इन्होंने बोली थी, मोहल्ला क्लिनिक जब इन्होंने खोला था तो उसकी सराहना अभी भी इन्होंने की कि पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली को इन्होंने बोला था, उस वक्त ये नहीं बोला था, अब बोल रहे केवल दिल्ली के लोगों के लिए। वोट इनको चाहिए ऑटो वाले का भी, जो हरियाणा का भी है, जो यूपी से भी आके यहाँ झुग्गी में रहता है, वोट चाहिए। अभी इलेक्शन होना तो तुरंत ये खोल देंगे। साहब आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्या हुआ? एक महीने बंद होने के बाद ये आपका खजाना खाली हो गया, आपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास सैलरी नहीं है, तो किस तरीके का आप डेवलपमेंट किया? देखिए यहाँ पे राजनीतिक क्या है, मैं आपको बताऊं, हेल्थ की चीज को छोड़ दीजिए, राजनीतिक क्या है, इनको पता है कि दिल्ली में इन्होंने क्या विकास किया है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या रोल है, कितने हॉस्पिटल है, कितनी फैसिलिटी दे सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी का कल्चर कुछ और होता है, बाहर के लोग हमेशा उसमें आते हैं। इनको पता है कि दिल्ली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना डेवलप नहीं कर पाए हैं जितना हम बखान करते हैं या अभी भी टीवी पे बैठ के कर रहे हैं। इन्होंने बोला पहले कि कोई भी प्रवासी मजदूर यहां से छोड़ के ना जाए, हम सबको घर घर राशन पहुंचाएंगे, उसकी पोल खुल गई। ये भी जानते हैं और ये जनता भी जान चुकी है, तो इसको छुपाने का एक ही तरीका है कि बहाना लेकर के दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दो, ताकि इनके पास फैसिलिटीज है नहीं, खाने पीने के लिए है नहीं, दवाइयां है नहीं, तो फिर से कहीं पोल ना खुले। अरे दिल्ली में बाहर से लोग नहीं आएंगे, बाहर से सामान नहीं आएगा तो क्या बिजनेस होगा साहब? कोई दिल्ली की पूरी इकोनॉमी, पूरी सोसाइटी अगर डेवलप्ड है तो बाहर से आने जाने वाली चीजों और आदमियों पे डेवलप है। बाकी आपको जो लगता है वो करिए, आप स्वायत्तता आपको मिली हुई है। एक चीज और, पहले ये बोलते थे ये पुलिस जो है बीजेपी की है, अब आप ये नहीं बोलेंगे कि ये पुलिस हमारी है, पुलिस को क्यों क्रिटिसाइज करते थे? यही पुलिस तो सील कर रही है ना, तो ये दोहरा मापदंड पुलिस के साथ भी आप क्यों लगाते थे? और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, एम्स दिल्ली का नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली सरकार का नहीं है, तो आप उनकी गतिविधि को क्यों रोक रहे हो बॉर्डर्स को सील करके? उसमें पूरे देश का अधिकार है। अगर आप इसी तरीके से बंटवारा करोगे प्रदेश में और देश में, तो जो राष्ट्रीय संस्थान है, जो हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स को आना है जाना है, क्रिटिकल केसेस को आना है, चाहे वो कोरोना के हो, हार्ट के हो, किसी और चीज के हो, इस तरीके से अगर आप सील कर दोगे वहां पे, तो जो बहुत इमरजेंसी चीजें हैं वो कैसे फ्री फ्लो, इतना तो होना ही चाहिए ना सर। राजनीतिक प्रभाव से फैसले लेके उसको मैनिपुलेट मत करिए पब्लिक के सामने। भारद्वाज जी जवाब दीजिए। देखिए पहली बात तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि कहीं किसी को अस्पताल और इलाज के लिए नहीं मना करा। दिल्ली में बॉर्डर सील है, एसेंशियल सर्विस। मैं आपको बताऊंगा, मैसेज ये जाता है, हजारों लोग बॉर्डर पे खड़े हो गए, कम्युनिकेशन इतना गलत जाता है पब्लिक में कि सब सोचेंगे भैया दिल्ली का बॉर्डर सील है, चलो ही मत। गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं आप लोग, फिर गलत इंटरप्रेट।
दिल्ली को ये अधिकार है कि दिल्ली को अपना सिस्टम को इवेल्युएट करने का अधिकार है। हमने 7 दिन सिर्फ, अरे आग लगने पे कुआं नहीं खोदा जाता है सर, 2 महीने से पेंडेमिक चल रहा है, आप जनवरी से हल्ला आप मचा रहे थे और आग लगने पे आप हॉस्पिटल बना रहे हो और सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हो। लिमिटेड है, आग लगने पे कुआं खोदना तो कोई आपसे सीखे। हम अपने सिस्टम को इवेल्युएट कर रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों ने हमें वोट दिया है। मैं वही बोल रहा हूँ, आग लगने पे कुआं कोई आपसे सीखे साहब, अभी क्यों इवैल्यूएट कर रहे हैं? आपने तो घोषणा कर दी थी कि दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया की नंबर वन व्यवस्था है, उस वक्त आपने इवैल्यूएशन नहीं किया था कि उस वक्त इवैल्यूएशन आपका गलत था। आप ही ने घोषणा की थी ना कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया की सबसे उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था में है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन लोगों ने उनको वोट करा उनको इलाज दे बेहतर? अगर अभी वोट लेना होना साहब, जैसे आपने मजदूरों को भगाया, आपको वोट लेना है तो वापस बुला देंगे, कल आप सारे बॉर्डर खोल देंगे। दिल्ली में 95% जो लोग हैं वो प्रवासी हैं, वो सब लोग बाहर से आए, उन लोगों के लिए हमारी कमिटमेंट है। आप लेंगे उनकी मेहनत से दिल्ली की सड़कें चमकेंगी, उनकी मेहनत से दिल्ली की फैक्ट्रियां चलेंगी, तो उनको इलाज नहीं मिलेगा क्या दिल्ली में? हम किसी की जान, आप यही बोल दीजिए कि प्रवासियों को इलाज नहीं मिलेगा, आप बोल दीजिए कि प्रवासियों की मेहनत का फायदा लेंगे लेकिन हम उनको इलाज नहीं देंगे, बोलिए। मिश्रा जी, इनके मुख्यमंत्री भी प्रवासी हैं, इनके मुख्यमंत्री भी प्रवासी हैं, वो खुद हरियाणा से हैं, वो खुद हरियाणा से हैं। जी बोलिए। पूरे देश के लोगों को विश्वास है कि दिल्ली में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल हमारा इलाज करवाएगा, अरविंद केजरीवाल। अरे अरविंद केजरीवाल तो इतना बड़ा झूठा, इस देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। विश्वास पैदा कर दिया सर। ठीक है, अब हमको ब्रेक में रुकना पड़ेगा, आ रहे हैं घरेन जी। एक घरेन जी, मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा की सरकार, यूपी की सरकार, राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, अगर ये लोग समय रहते काम करते, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते, एजुकेशन पे काम करते, तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे तो सर, आपने आपने अगर उदाहरण दिया होता तो आप दिल्ली में कोविड को कंट्रोल करते, सबसे ज्यादा मरीज आपके यहाँ दिल्ली में कंट्रोल करना चाहिए था ना। और आप अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई दे रहे हैं सर, दिल्ली और आप ही भूल गए। दिल्ली में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, 28 जनवरी को दिल्ली में पहला केस आ रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही है तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए नहीं है क्या? दिल्ली अगर राजधानी है तो आप राजधानी में शासन करेंगे, लेकिन राजधानी के और चीजों के लिए अगर कोई आता है जो राजधानी की व्यवहारिकता है तो उसके लिए आप हटा दीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप दिल्ली से आप डिक्लेयर कर दीजिए कि दिल्ली हमारी है, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में नहीं रहने देंगे। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अरे हटा दीजिए ना, दिल्ली में लेके आए। आप ये कानून बना दीजिए कि दिल्ली में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं रहने देंगे। अरे हमें यही अरे तो स्क्रीनिंग करना किसका काम है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या करेगी, एमएचए क्या करेगी, एमए क्या? अरे तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आपका काम है ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर कोई बाहर से आदमी आया हुआ है और उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई तो वो दिल्ली में इलाज नहीं पाएगा क्या? एक मिनट, एक मिनट, देखिए सर, देखिए घर में सवाल यही उठता है कि जहां आप फंसते वहां आप केंद्र पे सवाल उठा देते हैं भाई। यहां पे सवाल अब एके मिश्रा जी भी हैं, उनको भी सुन लीजिए, दोनों पार्टी के नेताओं को, दर्शकों ने सुना, मिश्रा जी दोनों लोगों को आपने सुना अपनी अपनी भाई। वो राहुल गांधी वो केजरीवाल कर रहे थे, हालांकि बीजेपी वाले ने तो वो भी मोदी मोदी करते, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब दिल्ली में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर बाहरी गैर बाहरी का मामला चलेगा? भाई एक जो सवाल मैं बार बार कर रहा था मिश्रा जी, आप समझ गए लेकिन घनेंद्र भाई नहीं समझ पाए, या वो जानबूझ के जवाब नहीं देना चाह रहे थे, कि जब 19,000 मामले पहुंच गए तो आपने पूरी दिल्ली को खोल दिया, सीमा सील कर दी, जब मामले बढ़ रहे हैं तो लोग पंजाब एमपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, लॉकडाउन को कुछ उन्होंने बढ़ाया या उसमें कुछ सख्ती की है, लेकिन यहां पर तो पूरी दिल्ली खोल दिया गया, ये तर्क समझ नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ, मानवता के आधार पे और वैज्ञानिकता के आधार पे अगर मैं बोलूँ ना तो पूरी दुनिया में सरकारों का माई एसिड टेस्ट है, जो बोलते थे कि हमने डेवलपमेंट किया है, ये फैक्ट साइंटिफिक चीज है, राजनीतिक नहीं। हर सरकार का ये माई एसिड टेस्ट है कोविड की, आपने हेल्थ स्ट्रक्चर या डेवलपमेंट क्या किया है अपनी प्रजा के लिए, जनता के लिए। अब इसको हट करके हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। देखिए है क्या यहाँ पे, भाई गति सांप छछुंदर केरी वाली जो कहावत है ना, उगला जाए ना निगला जाए, दिल्ली इस तरीके से फंसी हुई है। एक चीज आपने और बोली कि ये प्रवासी हैं, ये हमारे राज्य के हैं, ये दूसरे राज्य के हैं, क्या यही चलेगा? भारत में कई प्रदेशों में राजनीति इसी पे चलती रही है, चाहे शिवसेना की राजनीति हो। विगत वर्षों में आप याद करिए कैसे कैसे नारे दिए गए थे, कांग्रेस की शीला दीक्षित ने भी, मैं कंफर्म नहीं हूं लेकिन प्रवासी के ऊपर एक टिप्पणी
की थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, याद मुझे आ रहा है यही टिप्पणी की थी, फिर उन्होंने शायद माफी भी मांगी थी इस चीज के लिए। वो गलती से टिप्पणी की थी, ठीक है, शीला जी उत्तर प्रदेश में, मैं उसको मुद्दा नहीं, सर मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मायका उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली में आके पड़ गए तो अपने मायका को भूल, एक औरत अपने मायका को कैसे भूल सकती है, नहीं भूल सकती। और इस बात को उन्होंने कहा था कि हमने गलत बोल दिया, ठीक है, चलिए वो एक अच्छाई चीज है, मायका उत्तर प्रदेश में, आप दिल्ली में आके पड़ गए तो अपने मायका को भूल, एक औरत अपने मायका को कैसे भूल सकती है, नहीं भूल सकती। और इस बात को उन्होंने कहा था कि हमने गलत बोल दिया, ठीक है, चलिए वो एक अच्छाई चीज है, निकल गया मुंह से, माफी मांग ली, अच्छी, सब लोग एक है देश में, सब एक है। इनकी हालत क्या हुई है, बड़ी बड़ी ढींगे इन्होंने दिल्ली को के लिए, विकास के लिए मारी है, विकास पुरुष बन के ये निकले थे और लंदन इन्होंने बना दिया था, माई एसिड टेस्ट इनके लिए भी था, प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी इनके पास नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है ना इनके पास, जनता का प्रेशर, खाना पीना देने के लिए भी चाहिए, दोनों प्रेशर से ये कैसे बचे, तो बहुत चालाकी से इन्होंने गेम खेला है। गेम क्या खेला है, सारी टोपी पहना दी है पब्लिक के ऊपर, देखो जी हमने तो तुम्हें बिजनेस करने के लिए छूट दी है, पब्लिक जब बिजनेस करेगी अपने जान के रिस्क पे तो इनको इनकम होगा, इनकम होगा तो इनके विधायकों की तनख्वाह जाएगी, पहली चीज, मरे तो पब्लिक मरे, पब्लिक के जान पे इन्होंने ये जो रिस्क लिया है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होता रहे और हमें ज्यादा सुविधाएं ना देनी पड़े, घर में राशन पानी ना देना पड़े, तो दोनों चीजों से कैसे बचे, तो दोनों हाथों में लड्डू, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं लेना है मैंने, अरे दिल्ली में अगर मरीज बढ़ना है तो अंदर ही इतने मरीज हैं कि वो फैला देंगे सर, आप उनको भी नहीं रोक पाओगे, आपने खुद बोला कि सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या दिल्ली में है, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2% का कॉन्ट्रीब्यूशन आपका जो है पॉपुलेशन में है, तो आप ये देखिए ना, दिल्ली में मरीजों को बॉर्डर सील करके आप रोकेंगे कि बेटर मैनेजमेंट करके रोकेंगे, बॉर्डर ओपन करिए, बड़ा सवाल है, जवाब दीजिए, बॉर्डर सील करके करेंगे कि बेटर मैनेजमेंट से करेंगे, क्योंकि अगर आप सील कर देंगे तो मामले बढ़ ही रहे हैं, और आपने पूरी दिल्ली खोल दिया, गणेश जी एके मिश्रा जी ने बड़ा सवाल किया, अमेरिका स्वीकार करना पड़ेगा, मिश्रा जी 10 सेकंड में फाइनल कंक्लूजन, ये बोल रहे हैं कि दिल्ली का बॉर्डर सील करने से हम मरीजों की संख्या बढ़ने से रोक लेंगे, वो कदापि पॉसिबल नहीं है, कि अंदर ही अंदर दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है, ये प्रवक्ता महोदय ने बोला, अपने आप दिल्ली को इन्फेक्ट करने के लिए वो सफिशियंट है, मैं बोलूंगा बेटर इंटरनल मैनेजमेंट करिए, आप लोगों को दूर रखिए, और इतने दिन अगर लॉकडाउन चला तो 7 दिन आप और लॉकडाउन कर सकते थे, आप वैसे भी मिस कॉल से ले सकते थे लॉकडाउन करके, सर समय